पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। शनिवार की रात प्रखंड के सिमोरा मंदिर से करोड़ों रुपए की चोरी गई राधा कृष्ण की मूर्ति की बात दबी भी नहीं थी कि रविवार की रात्रि में चोरों ने कांडी बाजार स्थित शराब की दुकान से लाखों की शराब की चोरी कर गए व जाते जाते वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ते चले गए। इन सभी घटनाओं से कांडी वासियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। आक्रोश इतना बढ़ता गया कि वह बाजार बंद का रूप ले लिया। सोमवार को लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलकर कांडी मुख्य सड़क को जाम कर दिया। वहीं बाजार के सभी व्यापारियों ने भी कांडी जाम का समर्थन किया और अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। जाम के कारण कांडी मुख्य सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। उपस्थित लोगों की मांग थी कि मूर्ति चोरी करने वाले या बाजार में चोरी करने वाले चोरों को जल्द से जल्द हवालात के भीतर किया जाए। मौके पर कांडी सीओ राकेश सहाय और पुलिस इंस्पेक्टर नगर उटारी रमोद कुमार सिंह ने जमाकर्ताओं को समझाने में असफल रहे क्योंकि जमाकर्ता मौके पर जिले के बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर अड़े थे। स्थिति को नाजुक देखते हुए कांडी मझियाओं बडीहा व हरिहरपुर पुलिस पहुंचकर माहौल को कुछ शांत किए हुए हैं। जिला प्रशासन और प्रखंड का जो भी थाना प्रभारी है ये लोग विफल रहे पूरी तरह से। इस बात से लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और निश्चित रूप से आक्रोश स्वाभाविक है क्योंकि ये धार्मिक आस्था की बात है और ये बाप दादा के जमाने से इस मूर्ति का पूजा होते आया है 1901 ईस्वी से। अब बात आगे ये हुई कि कल सुबह सुबह जैसे ही ग्रामीणों को मालूम हुआ कि इस तरह की घटनाएं हुई तो काफी ग्रामीण उग्र हो गए। वहां पे थाना प्रभारी महोदय भी गए थे, मैं भी गया था। वहां पे लोगों ने गेट में ताला लगा दिया, डीएसपी साहब आए, कुत्ता आया, जांच हुई, कहीं कुछ स्पष्ट नहीं हो सका। तो अभी हमने इंस्पेक्टर साहब प्रभारी साहब से बात किया तो इन लोगों ने हमको दिखाया कि एसपी साहब के द्वारा स्पेशल टीम एसआईटी का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। मगर सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं इनका मांग है कि जिला का कोई पदाधिकारी आए और हमारे बीच में एक लिखित आश्वासन दे कि आखिर मूर्ति हमको कब तक मिल जाएगा। तो यहाँ के व्यवसायी भाइयों को भी, यहाँ जो भी लोग खड़े हैं, ये किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है और न ही ये कोई राजनीतिक लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है, ये हमारी आपकी सम्मान की लड़ाई है, हमारी आपकी इज्जत की लड़ाई है। और इस तरह की घटना की तुम लोगों की अगर होगी तो हम हाथ पे हाथ करके नहीं बैठेंगे, फिर उसका जिम्मेवार निश्चित रूप से सर यहाँ का प्रशासन होगा, फिर यह सब कुछ हाथ से निकल जाएगा बाहर। क्योंकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो ये सुनिश्चित करना आप लोगों की जिम्मेवारी है सर। उस स्थिति में हम से सर ने कहा कि एसआईटी का गठन हुआ है तो हमने सर को बोला कि यहाँ के लोग जो भी बैठे हुए हैं उन लोगों से आप इस चीज को रखें और इस तरह की बातें हैं और निश्चित रूप से सर आपके द्वारा यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। 48 घंटा होने को है लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा, ये जनता जानना चाहती है आपसे। तो सर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जो हो रहा है आगे का वो तमाम ग्रामीणों की सहमति पे यह तय की गई कि अगले आज के बाद कल से 72 घंटा के अंदर अगर इस चोरी का उद्भेदन नहीं किया जाता है और मूर्ति को बरामद नहीं किया जाता है तो पूरे ग्रामीण पुनः जिला प्रशासन का घेराव के लिए बाध्य होंगे और हम लोग आगे बढ़ करके और 72 घंटा बाद जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। चूँकि यह पहला मामला नहीं है, यह प्रखंड में दूसरा मामला है, एक मामला पहले भी हो चुका है जिसका उद्भेदन आज तक नहीं हो पाया। इस बात से ग्रामीण काफ़ी सशंकित हैं, मैं खुद सशंकित हूँ कि आगे इसमें क्या होगा। लेकिन चूँकि सर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि इसमें एसआईटी टीम का एसपी साहब द्वारा गठन किया गया है तो निश्चित रूप से इनको कुछ मौका मिलना चाहिए। तो सहमति यही बनी कि 72 घंटा तक इनको हम लोग आगे का समय देते हैं, अगर 72 घंटा के अंदर मूर्ति बरामद नहीं होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन तो आप जो अभी आपके पास अधिकारी के पास जिससे आप रिसीविंग कराए हैं
या उन लोगों ने कहा एसआईटी टीम में? जी एसआईटी टीम में। जी एसआईटी टीम में। तो यानी कि आपको आश्वासन हो गया कि मतलब ये बहुत घंटे में पूरे ग्रामीणों के सामने जी हमने सबके सामने कहा, सर ने चिट्ठियां दिखाई है, ये चार लोगों की कमेटी बनी है जिसमें कि डीएसपी साहब हैं, नगर उतारी के इंस्पेक्टर साहब हैं और मझियाव इंस्पेक्टर साहब हैं, मझियाव थाना प्रभारी साहब हैं और कांडी थाना प्रभारी थे लेकिन ग्रामीणों ने मांग किया कि उनको हटाया जाए, निलंबित किया जाए, उनको हटाया जाए टीम से। बढ़िया थाना प्रभारी भी हैं, भोनाथपुर थाना प्रभारी भी हैं। तो कांडी थाना प्रभारी को इस टीम से मतलब बाहर कर दिया गया? बाहर करने का ग्रामीणों द्वारा मांग किया गया, जिस मांग को इन्होंने हम लोगों ने दे दिया है और एसपी साहब को, इसमें तो जिला प्रशासन पुलिस कप्तान को निर्णय लेना है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।